तो आपने कहा कि किस तरह से राजाओं से भी आगे जो है शिक्षा की व्यवस्था करके, शिक्षित लोगों को करके हम वहाँ तक पहुँचे कि जब हमारा बेटा जाए तो दुनिया कहे कि नहीं भाई ये जो है बृजभूषण जी के बेटे आए हैं और इन्होंने शिक्षा। ये उस समय की बात है कि जब मैं राजनीति में आया तो मैं किसी की 20 बार मदद करता था, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ जाए तो वो कह देता था भैया हम तो आपके आदमी हैं, हाँ लेकिन अब राजा साहब का संदेशा आ गया तो हमारी मजबूरी है। तो उस समय मैंने ये किया था कि कौन सा काम करूं कि किसी गांव में राजा का बेटा जाए तो लोग कहें कि राजा का बेटा आया है, तो हमारा बेटा जाए तो लोग कहें कि नेताजी का बेटा आया है। तो इसी बात को ध्यान रख करके और आप जैसे लोगों से खूब सलाह मशवरा करके, सोच समझ करके, अपने दोस्तों को जो भी शुभचिंतक थे, तब मैंने नारा दिया था स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा, जिसको समय समय पर बढ़ते बढ़ते मैंने कर दिया स्वस्थ देवी पाटन मंडल, साक्षर देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। वैसे काम तो मैंने इससे ज़्यादा किया है, इससे ज़्यादा क्षेत्रों में किया है, लेकिन मैं खुद नहीं कहता कि मैं कह दूं कि मैं पूरे राष्ट्र में कर रहा हूं या प्रदेश में कर रहा हूं, इसलिए अपने आसपास ही अभी घेरा बना करके रखा हूं। नहीं, मैं आ रहा था, देखा मैंने इतने सारे कमल खिले थे। हाँ, कमल खिला के रखा है आपने। नहीं, कमल तो खिलेगा कमल तो अपने आप खिल जाएगा ना? नहीं, आपने इसलिए पहले से, मैं जैसे यहाँ एंट्री किया तो देखा बहुत बड़ा तालाब था, उसमें ढेर सारे कमल थे, तो मैं थोड़ी देर रुका, मैंने कहा नीता जी ने इतने सारे कमल खिला के रखे हैं, कमल की जरूरत ही नहीं है कहीं। नहीं नहीं, कमल तो अपने आप खिल रहा है, ऐसा माहौल है अच्छा आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप आजकल? अगर मतलब पता नहीं आपके पास वक्त होगा कि नहीं, लेकिन आप पढ़ते लिखते हैं तो आजकल कोई किताब पढ़ने का मौका मिला है इधर हाल में? कोई किताब पढ़ी आपने? ओशो की है एक। अच्छा, ओशो की पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ, तो ओशो क्या कह रहा है उसमें कि भाई दुनिया से निर्लिप्त रहो? नहीं नहीं, पढ़ लेते हैं कुछ जो है ओशो की एक महाभारत पर है टिप्पणी है, उनकी समीक्षा है, उसी को पढ़ रहा हूँ। महाभारत ही चल रही और क्या है? नहीं, उसी उसी का मैंने कोट किया है कि जिंदगी जो है रेल की पटरी रही है। खाना वाना बनाते हैं? खाना वाना बनाना आता है? कभी मौका मिलता है बनाने का? खाना मुझे नहीं, खाना जो ये प्रत्याशी हैं ये बेस्ट कुक हैं। अच्छा, बहुत बेस्ट कुक हैं, इनको खाने का और खिलाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का और खिलाने का। तो इनका काम तो आधा वैसे ही हो गया, वैसे रोज करते थे बहुत बेस्ट कुक। अच्छा, ये बताइए कि विपक्ष में किसको आप अच्छा नेता मानते हैं? आपके दिमाग में कौन आदमी ऐसा विपक्ष का है जिसको लगता है कि नहीं यार ये पॉलिटिशियन है, इसके पास कुछ तो है? नहीं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई नहीं आज की तारीख में, नहीं दिखाई पड़ रहा। पवार साहब? आप पवार साहब को आप ले सकते हैं, पवार साहब को ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा वो उनका गड़बड़ ढल गया है सूर्य, लेकिन मन के बड़े आदमी है, मन के बड़े, मन के आदमी। जैसे जो नेताओं का एक गुण होता था कि अपने विरोधी से भी बढ़िया ढंग से मिलना, जैसे मुलायम सिंह के अंदर भी था और पवार साहब के अंदर, बाकी साउथ के लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इधर जो देख रहा हूँ वो मुझे पहले के हिसाब से समझ में नहीं आ रहा है। अब इसको गिरावट कहूँ कि या उठावट कहूँ, क्या कहूँ, लेकिन कोई समझ में नहीं आ रहा है।